हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? टुडे आई विल शो यू हाउ टू मेक चिकन ग्राउंड चिकन कीमा। तो चिकन कीमा मोस्टली यूज होता है बर्गर में, फिर कबाब्स में, फिर चिकन बूनमा, फिर मोमोज बनाते उनमें। तो क्या रेस्टोरेंट वाले तो मशीन से निकलवाते कीमा दुकानदारों से, पर अगर आपको हाथ घर पे डिशेज बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे? इसलिए मैं घर पे बनाने के लिए, मैनुअली बनाने के लिए कीमा मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम चिकन को थोड़ा बोनलेस करेंगे कीमा बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा पीस बोनलेस कर देते हैं चिकन का। बोनलेस चिकन मिल गया है। अब इसको लकड़ी का एक टुकड़ा चाहिए होता है गट्टा, और एक चॉपर बस। लकड़ी का जो एक गट्टा होता है ये किसी भी टास्क में मिल जाएगा आपको आसानी से, एक फीट हाइट का और लगभग एक फीट चौड़ा। पर ये हमेशा हर किसी पेड़ का नहीं लेना, बबूल का लेना चाहिए। बबूल के पेड़ की जो लकड़ी होती है, तो ये जो कीमा वगैरह हम बनाते हैं, मीट काटते हैं उसके ऊपर, तो उसकी स्मेल उसके अंदर मिक्स नहीं होती है। जैसे गलती से कभी नीम का ले लेते हैं, किसी और का ले लेते हैं, तो मीट के अंदर उसकी कड़वाहट या वो चली जाती है। पर अगर अपन बबुल का लकड़ी लेते हैं तो उसका मीट का टेस्ट चेंज नहीं होता। बस इसको आप जितना चाहें उतना बारीक कर सकते हैं, जितने बारीक की जरूरत हो। गाइस, रेडी है कीमा। अब इसका आप बर्गर बनाइए, समोसे बनाइए, मोमोज बनाइए, जी आपके ऊपर है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।